ऑस्ट्रेलिया का स्विनबर्न तकनीकी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में पर्यटन और शिक्षा के क्षेत्र में नई दिशा देने के लिए निवेश करने को इच्छुक है। विश्वविद्यालय के एक प्रतिनिधि मंडल ने इस बाबत विधानसभा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार से मुलाकात की। ऑस्ट्रेलिया का एक प्रतिनिधि मंडल बुधवार को विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार से मिला। ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी से जुड़े इस प्रतिनिधि मंडल ने हिमाचल प्रदेश में शिक्षा व पर्यटन के क्षेत्र में आदान प्रदान करने की इच्छा जाहिर की। विधानसभा अध्यक्ष ने इस दौरान कहा कि ऑस्ट्रेलिया के एक प्रतिनिधि मंडल ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने कहा कि उनकी मंशा प्रदेश में निवेश करने की है, जो हिमाचल के पर्यटन व शिक्षा को नई दिशा दे सकता है, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ही लेना है। आज अभी ऑस्ट्रेलियन एक डेलीगेशन मिला है और स्विनबर्न यूनिवर्सिटी से ये प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आया है और मेरे से भी इनसे व्यक्तिगत मिलना जुलना हुआ, तो मैं इनका विधानसभा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनका वेलकम करता हूं। और हमारे डॉक्टर श्रीकांत जी का भी विशेष रूप से मैं धन्यवाद करता हूं कि इनके माध्यम से विश्वविद्यालय से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित और एजुकेशन में जो नई टेक्नोलॉजीज़ विश्व में और विशेष करके ऑस्ट्रेलियन जैसी कंट्री में शुरू किए हैं, उसका लाभ भी हिंदुस्तान में हो सकता है। उन तमाम विषयों पर यहाँ पर चर्चा हुई है, उसमें चाहे हॉस्पिटलिटी की बात हो या अन्य तमाम मुद्दों की बात हो, उन तमाम विषयों पर यहाँ पर चर्चा हुई है और ये एक शुरुआत है। ये अब थोड़ी देर के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री से मिलेंगे और हम सामूहिक रूप से ये कोशिश करेंगे कि शिक्षा के स्तर को और शिक्षा में और टेक्नोलॉजी जैसे विषय को कैसे हम उसमें समावेश कर सकते हैं, ये चर्चा आज यहाँ पर हुई है। वहीं ऑस्ट्रेलिया से आए इस प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज से भी मुलाकात की। ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के दौरान शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का प्रदेश में और अधिक विस्तार संभव हो सके, इसके तहत समय समय पर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शैक्षणिक संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के स्विनबर्न तकनीकी विश्वविद्यालय के शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री से भी भेंट की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार के शिक्षण संस्थानों में गुणात्मक शिक्षा अधोसंरचना सृजित करने को प्राथमिकता दे रही है और इस दिशा में निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के इन प्रयासों से विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध होगी और प्रदेश में ही उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा के लिए तैयारी करने में भी सहायता मिलेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार विश्व स्तरीय निजी संस्थानों को प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करने के लिए न्योता दे रही है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के स्विनबर्न तकनीकी विश्वविद्यालय प्रदेश के शिक्षण संस्थानों के अलावा निजी विश्वविद्यालय के साथ भी पर्यटन व आतिथ्य क्षेत्रों में पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए समन्वय स्थापित करने की संभावना तलाश कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।